सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शरद और आप देख रहे हैं माय लाइफ आई व्लॉग। सो आज की जो वीडियो है वो आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है। इट्स अबाउट रॉयल एनफील्ड की बियर। सो बेसिकली क्या ये इंटरसेप्टर की बियर है, तो उन्होंने ना इंट बियर करके बाइक लॉन्च करी है। उसके पीछे बैक स्टोरी ये है कि आई थिंक जो US की कोई एक रेस होती है जिसका नाम कुछ बियर समथिंग होता था पहले, उसको इन्होंने डेडिकेट किया उसको। तो ठीक है, मतलब कुछ अलग तरह की बाइक आई है। एक्चुअली में स्क्रैम्बलर लुक ज़्यादा है, तो पहले मुझे यही लगता था कि इंटरसेप्टर की ना लुक क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत लग रही थी कि अपने हिसाब से चेंज करने के। लेकिन अब वो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर लुक के साथ आई है, जो नई बाइक है, पहले वाली बाइक बंद नहीं हुई है। सो ये न्यूज़ तो आई थिंक पक्का है। बाकी अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्स तो नहीं होती थी इंटरसेप्टर की। जब मैं रॉयल एनफील्ड गया था वो कहते एक दो तीन बिकती हैं महीने की, इसलिए वो लोग टेस्ट राइड भी नहीं देते थे, उनके पास बाइक थी ही नहीं कोई। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बस दो मिनट में, ठीक है। तो स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, अगर और क्लैरिटी से आपको करना है तो ये वीडियो आप प्रॉपर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। सो एक तरह से थोड़ा सा कैसे बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हाँ जैसे वीडियो जैसे मीम रिव्यू होता है ना, वैसा कुछ समझो कि हम ये वीडियो को देखते हैं और साथ में अपना मैं सजेशन जो अपने फीडबैक शेयर करूँगा, सजेशन क्या शेयर करूँगा, फीडबैक शेयर करूँगा, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं दो मिनट में वीडियो, एक मिनट। सो सबकी वीडियोज़ आ गई होगी, लेकिन अभी एम्बार्को होगा तो अभी कोई वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा किसी पॉइंट पे, तो सब बस आपको ये बताएंगे कि बाइक में क्या है, मतलब क्या अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी भी मतलब अपने थॉट शेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बताएंगे कि बाइक में क्या है, ठीक है। तो सो गाइस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो मैं देख रहा हूँ बेसिकली गगन चौधरी की वीडियो। सो न्यू रॉयल एनफील्ड बियर 650 वॉक अराउंड करके इसका टाइटल है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बस एक अपने थोड़ा आपके साथ ही देखता हूँ कि बाइक में क्या क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि मेरे को अभी मैंने क्विक लुक देखी थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा सो वीडियो बनाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्टर बियर 650, जी हाँ ये है रॉयल एनफील्ड की ताज़ा तरीन बाइक जो कि मैं चलाने के लिए अभी यहाँ पे आ रखा हूँ। और चलाने से पहले हाँ सो मैं पहले बताता हूँ कि ना कुछ टाइम पहले मैंने इसके कुछ स्पाई शॉट्स देखे थे कि ऐसी एक बाइक है जो जो बेसिकली इंटरसेप्टर, तो तब नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा था रॉयल एनफील्ड को नई बाइक निकाल रहा है, तो 650 सीसी का इंजन जो इंटरसेप्टर में आता था वही वाला ही था, लेकिन इसमें बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। वीडियो में आगे आपको पता चलेंगे कि मैंने थोड़ा सा क्विक व्यू देख लिया था, सो दैट मुझे एक्चुअली में कुछ एक्साइटेड लगा तो ही वीडियो बनाऊंगा ना। तो स्टार्ट करते हैं वापस। चलाने में कैसे लग रही है, उससे पहले मेरे को अलाउड है बात करने का कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें जो है बदली है, क्या क्या चीज़ें ऐड की है, बाइक क्यों बनाई गई, उन सब चीज़ों की मैं। सो ये बेसिकली एम्बार्को होता है जिसमें क्या होता है, बस यही बता सकते हो कि बाइक के फीचर्स क्या क्या, ठीक है, क्या नया है, क्या चेंज हुआ है। तो इसलिए अभी ये अपने फीडबैक नहीं दे पाएंगे एक्जैक्टली, लेकिन कुछ दिन में जब एक्चुअल फीडबैक का टाइम आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो वो फीडबैक वाली वीडियो पर भी रिस्पॉन्स चाहिए होना, तो कॉमेंट जरूर करना। तो वापस देखते हैं। मैं एग्जैक्टली रिव्यू अभी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज उस पर थोड़े टाइम तक का एम्बार्गो है, यानी कि और भी बहुत लोग बाकी है चलाने को, जब सब एक साथ चला लेंगे तो सब एक साथ अपना रिव्यू बताएंगे, बट मैं आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो बता सकता हूँ। तो उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, चाबी लाओ और चाबी से शुरुआत करो। चाबी जो है वो टिपिकल रॉयल एनफील्ड की जैसी हम देखते हैं वैसी ही है, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। वैसे ये तो बहुत टाइम से पुरानी चाबी चल रही है, सबकी सेम है, लेकिन वैसे 650 सीसी एक अपर रेंज रहता है यहाँ से, तो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, थोड़ी बेटर की तो देनी चाहिए ताकि वो लोग थोड़ा अच्छा फील करें, लेकिन ठीक है, टिपिकल बिहेवियर, कॉस्ट कटिंग, सेम चाबी चलती है जैसी जैसी चाबी जो है यहाँ पे दी गई है। बट बाइक जो है वो बेस है इंटरसेप्टर पे, इंटरसेप्टर 650। ये देखो ना इंटरसेप्टर के बेस पे है, तो पहले वाली इंटरसेप्टर में ना आपको देख के ऐसे कंप्लीट लुक नहीं आता, थोड़ा बहुत लगता था कुछ तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक तो बियर की लुक ज़्यादा बेटर लग रही है, मतलब मेरे स्टाइल के हिसाब से, बाइक मुझे पसंद है उस हिसाब से। और इसमें एक चेंज है बहुत बड़ा, वो आपको आगे पता चलेगा, वीडियो एंड तक देख लेना और फीडबैक जरूर, अपना फीडबैक जरूर कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कर रहे हो क्या, रुक जाऊँ, रुक जा कर, ठीक है, चलो चलते हैं वापस। आपको याद ही होगी कि वैसे उतनी ज़्यादा भयंकर तो नहीं बिकी, अभी आगे से नोटिस करो, आपको कहीं ना कहीं जो उसकी जो हिमालयन की गोरिल्ला आई थी ना कहीं वही लुक दे रहा है, क्योंकि वो वाली भी सेम उसमें आई थी, ठीक है, वो थोड़ी सी आई थिंक वो रोडस्टर में थी और ये वाली थोड़ी स्क्रैम्बलर में आ गई है आई थिंक, अगर मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा तो, लेकिन बहुत वही लुक है, सेम फ्रंट, बहुत हद तक मेरे को गोरिल्ला जैसे लग रहा है। एक डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेशन जो है
उस बाइक ने छोड़ा था जब वो आई थी, मैं चाबी को वापस यहाँ पे करंट लगा देता हूँ। और इंटरसेप्टर पे वेस है बट काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई हैं इंटरसेप्टर पे। एंड फ्रंट देखो कितना चेंज हो गया, मतलब ऐसे टायर यूजली बंदा मॉडिफिकेशन के बाद लगवाता है या फेंडर भी मॉडिफिकेशन के बाद लगाता है, तो वो अच्छा चेंज हो गया। और एक बड़ा चेंज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो गगन भाई को बात करने देते हैं। दिस नॉट रिप्लेसिंग इंटरसेप्टर, तो ऐसा नहीं है कि वो चली गई और ये आ गई। इनफैक्ट इंटरसेप्टर जहाँ खत्म होती है प्राइस पॉइंट पे, ये मोस्ट लाइकली उससे ज्यादा उससे आगे रहने वाली, मतलब उससे आगे उसका बेस वेरिएंट शुरू होने वाला है। 650cc में आई थिंक सबसे चीप रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर ही मानी जाती थी, इंटरसेप्टर GT सेम बात है, तो उससे ऊपर जा रही है। तो 650 वाला जो एक मुझे लगता था कि पॉजिटिव था रॉयल एनफील्ड के पास कि ये बेटर कम प्राइस में 650cc इंजन दे रहा है, वो अब लूज़ कर जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं भी लूँगा तो ये वाली बाइक मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है अभी तक। अब बेस इन द सेंस कलर्स में ही फ़र्क है, ऐसा फीचर्स वाइज ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये वाला वेरियंट जो है इसको हनी वाइल्ड हनी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कलर, जिसकी कलर देखो ना ब्लू और येलो मिक्स है, और इवन सीट का कलर भी ब्लू है। तो ये कुछ चेंज किया अभी तक, आई थिंक रॉयल एनफील्ड ने कहीं भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस बाइक के साथ कर रहे हैं है, बट सब कुछ इसमें आता है तो उनकी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें इसमें एक्सेसरी लगी होगी आई थिंक, हाँ कुछ लगी है, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या एक्सेसरी। सबसे पहले यार बहुत सही लुक है, मतलब आप इस वाले पे अगर मैं पॉज करता हूँ आप पता होगा क्या अच्छा लग रहा है, मतलब आपको इस बाइक में क्या चीज़ है जो एक्चुअली में आपका हेड टर्नर होगा। आप जैसे इस बाइक को फर्स्ट टाइम जाते देखोगे आपको क्या लगता है, क्या चीज़ है जो आपको एकदम से लगेगा यार ये कौन सी बाइक है। मेरे लिए जो है वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, आप कमेंट जरूर कर देना। तो वाला आगे से शुरुआत, एक तो ब्लैक इंजन बहुत अच्छा लग रहा है इस वाले पर्टिकुलर बाइक में, आई थिंक उसमें भी आ गया था इंटरसेप्टर में भी, लेकिन यहाँ अलग फील दे रहा है, उसके पीछे रीज़न यहाँ है कुछ, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो शैसी और फ्रेम वगैरह जो है वो इंटरसेप्टर वाला ही है, इंजन भी वही है, बट एक की चेंज जो है उसमें आया उसकी बात करते जाएंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले MRF के साथ में मिलके एक स्पेशल टायर देखो कितना सही बना है, मतलब और ये ट्यूबलेस टायर है, देखो ऊपर लिखा हुआ है ट्यूबलेस, तो मुझे लग रहा है ये वाला स्टार्टिंग से ट्यूबलेस होगा क्योंकि इसका जो रिम है ना हल्का सा बीच में से ऐसे उठा हुआ है, तो जबकि इंटरसेप्टर में ट्यूबलेस पहले नहीं आता था और बाद में अलॉयज के साथ आया था, यहाँ ट्यूबलेस मेंशन तो कर रहे हैं, हो सकता है टायर ट्यूबलेस हो, देखते हैं आगे बताते हैं इस बारे में। टायर बनाया गया है और ये टायर जो है पैटर्न आपको नजर आ ही रहा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थोड़ी सी स्क्रैम्बलर टाइप फील जो है वो देने की कोशिश की गई है इसे। 190/19 ये साइज है इंटरसेप्टर पे, 18 इंच आता था फ्रंट में, 319 से हल्का सा मुझे लगता है पोस्चर चेंज हो गया होगा, फ्रंट से हल्की उठ गई होगी। 140 mm का डिस्क जो है वो दिया गया है, एक तो ये चेंज यहाँ पे आपको टायर का दिखाई होगा और एक बड़ा चेंज जो है आपको फोक्स में दिख गया होगा। बहुत सही, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहे थे, इसमें अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं, अपसाइड डाउन बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये चीज़ तो मुझे उसमें मिसिंग लग रही थी इंटरसेप्टर में, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑब्वियसली ये एक प्राइस भी अप कर दिया है, तो देखते हैं प्राइस कितना आता है इसका। आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगा इसका राउंड, मतलब आप कमेंट जरूर करना आपका आइडिया कि ये कितने तक में ये लेके आ गए होंगे इसको। और ये ट्रैवल जो है इनका 130 mm का है, तो ट्रैवल जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद में लाइटिंग जो है 12B है फ्रंट में, ये जो लाइट है आप देख ही पा रहे हो अभी तो, यानी कितनी आप देख पा रहे हो, बट चालू करने पर दिखेगी, ऐसे भी दूर चीजें तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपको। बट यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर जो है वो भी LED हो गए, आपके पास 8cc का जो कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये तो सेम इंजन आई थिंक, बट आपको नजर आया या नहीं चेंज यहाँ? मुझे आ गया ब्रो, ये सिंगल साइलेंसर हो गया, जबकि पहले ड्यूल साइलेंसर होता था, यहाँ मुझे दिख गया आगे कि ये दोनों मर्ज हो रही है यहाँ से हेडर से, आपको यहाँ नजर आएगा। 650cc ट्विन जो आए थे उनमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिला था, कहीं ना वही लग रहा है गोरिल्ला का अपर वर्जन बना दिया, पता नहीं थोड़ा वो फील तो वही दे रहा है जो उनको अलग ही बना, वो बस रोडस्टर है और ये वाले आप स्क्रैम्बलर है। तो रॉयल एनफील्ड एक्चुअली हर, मुझे लग रहा है कि हर तरह की बाइक में आ गया, हर जॉनर में घुस रहा है, स्क्रैम्बलर रोडस्टर क्रूजर सब तो है इसके पास, और सबसे बड़ा एंट्री लेवल जो आपके पास है वो तो उसने रॉयल एनफील्ड को आई थिंक घर घर पहुँचा दिया। अब कौन सी बाइक की मैं बात कर रहा हूँ आपको पता है तो कमेंट करना। इनफैक्ट वो इधर वाला एक दोस्त उसको बाहर भी ले, मुझे तो अच्छा लगता था यार, यहाँ बोले हल्का सा ऑब्वियसली फ़र्क है क्योंकि लेफ्ट और राइट में फ़र्क है इस साइड में, तो इसलिए हल्का सा बाहर की तरफ और होता था, लेकिन लुक मुझे ना ड्यूल साइलेंसर ही अच्छा लगता था। आपको कौन सा अच्छा लगता है बताना जरूर, मतलब अजीब भी लगता था अजीब कुछ भी, हाँ सिंगल एग्जॉस्ट ही है ऐसा कैसे, सिलेंडर तो वही है तो ऐसा कैसे किया, आ रही है
जो दूसरा एग्जॉस्ट है उसको यहाँ ला के आगे करते हैं। साउंड जो है गाड़ी की वो बदली है, पेंट फोर पीएस पावर 400 केजी की बाइक है, मतलब बाइक तो अभी भी वेट उतना ही है, वेट में फर्क नहीं आया है, थोड़ा आगे करते हैं। क्या कहना है कि हमने इंटेंशनली टॉर्क बढ़ाया है क्योंकि लोगों को वो फील बेटर देता है, हम चाहते तो पावर में जब कि हमने इंटेंशनली टॉर्क जो है वो अब यहाँ पे हो गया है 4.2 एनएम के आसपास बढ़ा है, 56.4 एनएम टॉर्क जो है वो अब यहाँ पे हो गया है। टॉर्क बढ़ा दे क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये स्क्रैम्बलर का फीचर होता है ना इसलिए। और साथ ही में रॉयल एनफील्ड का कहना है कि हमने इंटेंशनली टॉर्क बढ़ाया है क्योंकि लोगों को वो फील बेटर देता है, हम चाहते तो पावर में इजाफा कर सकते हैं। यार क्या सही लुक आ रहा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। आप जरूर वीडियो को लाइक करना अगर आपको लगता है ये, स्पेशली पीछे का टायर देखो ना यार, क्या सही एकदम वाइट टायर है, साइड वॉल कितनी सही हो चुकी है, स्पेशली जो उन्होंने रिफ्लेक्टर्स भी लगाए हैं व्हील पे। और अगर ये स्पोक व्हील के साथ में आपको ट्यूबलेस दे रहे हैं ना, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये बाइक तो एज इट इज़ लेके चलाने वाली बाइक बन गई है। जो कि नेचुरली हो रहा था जिस तरीके से हमने मॉडिफिकेशन किए थे, बट हमने फिर उसको थोड़ा सा और ऑल्टर करके टॉप जैसे थोड़ी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई दी। ये देखो ना एग्जॉस्ट कितना छोटा कर दिया है, तो ऑब्वियसली राइडर के पास आ गया है तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। और अगर आप देखो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, ये ब्रेक लीवर के पास देखो ये कैसे प्रॉपर थिक कर दिया है, प्रॉपर कवर कर दिया है, आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पीछे आई थिंक ब्रेक सिलेंडर भी पीछे चला गया, हाँ तो वो दोनों मर्ज हो गए, ये चीज़ बहुत सही है। मतलब रॉयल एनफील्ड बहुत इम्प्रूव कर रहा है, लोगों के आई थिंक फीडबैक सुनता है, अब देनी चाहिए, ये रॉयल एनफील्ड का कहना है कि देगी। बाय द वे बेयर 650 एक इंटरेस्टिंग चीज, ऐसे नहीं लग रहा जैसे इंटरसेप्टर ही लिखा होगा पूरा और उसका इंट रह गया, पता नहीं ऐसा क्यों बनाया इन्होंने, इंटरसेप्ट जगह तो पूरी थी, इंटरसेप्टर पूरा डाल देते। ये नाम जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों? वेल 64 ईयर्स पहले जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे बहुत नजदीक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जो है एक बिग बियर रन करके एक रेस हुआ करती थी, यही वाला बोल रहा था, बिग बियर रन करके ना, जिसके बेसिकली जिसके लिए बाइक को डेडिकेट किया हुआ है, रूस नहीं होती तो रेस जिसको बाद में फास्ट चली। यहाँ पे देखो ये भी रॉयल, ये भी यहाँ पे देखो इंटरसेप्टर ही लिखा हुआ है, और स्क्रैम्बलर इंटरसेप्टर तो रॉयल एनफील्ड तब इसमें पार्ट लेती थी, तो इसलिए इन्होंने डेडिकेट कर दिया है ये बाइक जो है उसको डेडिकेटेड। फुल टैंक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपको यहाँ तो वगैरह में मल्टीपल ऑप्शन है। वैसे गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में भी चेंजेस हुए, उसका रीज़न ये है कि जो एंगल है गाड़ी का वो थोड़ा सा बदल गया, ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए हो गया ना क्योंकि फ्रंट से 19 इंच का व्हील हो गया ना, थोड़ा बाहर की तरफ है एंगल अब तो जो है उसकी वजह से आपके पास में गाड़ी अप डाउन वो भी हुई है, अप ही हुई है, मतलब डाउन तो क्या हुई है, आपके पास में सीट हाइट जो है वो 830 mm पे जो कि एक्चुअली काफ़ी ऊंची लग रही है, बता के देखो मतलब चला के बताऊंगा आपको कैसी। और किए गए हैं माउंटिंग वगैरह में, तो ये माउंटिंग बहुत अच्छी हो गई, मतलब देखो सिलेंडर पीछे चला गया कवर की तरह, और आपको एक्चुअली में क्वालिटी पता चल रही है यहाँ पे, सो थम्स अप फॉर दिस टू। तो चेंजेस जो है वो हमने चेंज किया है, आप देख ही पा रहे हो कि ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी थिक कर दी है इन्होंने, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम्स आती होगी, लोग जैसे लोड करते होंगे ना इसमें, आई थिंक लोग इसमें बैग्स वैग्स लगाते ही हैं जब टूर करते हैं, तो उनको पता चला या कोई बंदा पिलियन बैठता होगा तो वीकनेस फील होती होगी, तभी इन्होंने थिक किया है। कई लोग सैडल और पिलियन जो है सैडल बैग और उसके साथ देख पा रहे हैं, ये भी बड़ा है 270 mm का, इसमें 240 का टायर भी, तो वो चेंज भी यहाँ पे आया है। रियर टायर 140/80/17 दिया गया है, जी हाँ ये 17 हो गया, ये 18 था आई थिंक, सेप्टर में 18 था, इसमें 19, तभी वो क्या हो गया आगे से 19 और पीछे 17 हो गया, इसलिए आपकी थोड़ी आगे से हाइट बढ़ गई है, 17 आया है और थोड़ा सा मोटाई भी बढ़ी है, तो वजन जो है वो कम होना चाहिए था, राइट, हुआ भी है कम, क्योंकि एक एग्जॉस्ट जो है वो हटाया गया, एग्जॉस्ट कम हो गया, 5-7 किलो का फर्क आ गया उसमें, सस्पेंशन का कलर बड़ा बियर ये तो सेम ही है, इसको क्या ही देखना है, सेम है वाला। जो है उसमें भी एक साटो सा चेंज किया गया है, आपको काफी हद तक शॉटगन वाले स्विच गए, शॉटगन हाँ ये शॉटगन वाले लग रहा है पूरा सेटअप, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो स्विच भी दे दिया इसमें, क्वालिटी वही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर पार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो एक है एम ये नाम दिया गया है बटन जो देख पा रहे हो, इससे आप रियर ABS ऑफ कर सकते हो, तो वो एक शॉर्टकट दे दिया गया और वो बढ़िया है यार, ABS का दे दिया शॉर्टकट, बहुत सही है, जिसको थोड़ा बहुत भी स्टंट वंट करने का फील आता है ना, या वो पावर फील करनी है, तो उसके लिए रियर का ABS स्विच ऑफ करने का ऑप्शन इज रियली गुड। रियर ABS ऑफ करने के लिए एक बस ऐसा क्लिक में जो है छोटा सा एक टच है इसमें, आपको पता चलेगा बियर का, अगर आपने नोटिस किया ना कॉमेंट जरूर करना जहाँ पे बियर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, हो जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको USB टाइप सी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे ये USB टाइप सी आपको जो है आपको दिख पा रही है, ये उनको चार्ज करने के लिए काम आती है। ये प्लेसमेंट अच्छी लगी मुझे, थोड़ी साइड में, तो आप अगर हैंडल तक अपना चार्जर लगाते हो, दिस इज रियली गुड प्लेस। बाकी क्या बचा ऐसा, आई डोंट थिंक कुछ बड़ा हुआ है। व्हील बेस ऑब्वियसली चेंज हुआ है बिकॉज़ ऑफ द एंगल जो चेंज हुआ है, तो 1460mm जो है वो यहां पे व्हील बेस हो गया है। एंड उसके बताऊंगा आपको नेक्स्ट पर ये टायर्स कैसे हैं, पसंद आई है। यार बाइक तो बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि ये वाली बाइक फिर से वो थोड़ा सा चेंज लाएगी। आई फील कि इंटरसेप्टर की तरह इसकी सेल्स इतनी लो नहीं रहेगी। इंटरसेप्टर बहुत नोन जरूर थी लोगों के लिए, लेकिन उसकी सेल बहुत डाउन थी, तो ये मुझे लगता है कि बेटर रहेगी। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसकी अभी टेस्ट राइड वाली जो वीडियो आएगी, तो फिर से एक तरह से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, साथ ही बैठ के देखेंगे। और अगर और कोई वीडियो आपको लगती है कि जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और डबल थम्स अप फॉर गगन भाई, तो इतनी जल्दी वीडियो बना के डाली है, और आई थिंक अब सब लोग डाल ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपना टेक भी इस वाली बाइक पे दूं। और ये बाइक एक्चुअली में वर्थ इट है, इंटरसेप्टर और GT अगर आप नहीं लेने की सोच रहे तो ये ले सकते हो। अपना बेसिकली जो सजेशन है वो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और वीडियोज़ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।